पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जल संसाधन मंत्री संजय झा का बड़ा दावा, जेडीयू के संपर्क में बीजेपी के कई सांसद, हम लोगों के संपर्क में है बीजेपी के कई पदाधिकारी। बिहार में सीट बंटवारे पर जल्द फैसला होगा, संजय झा की तरफ से कहा गया। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर मंत्री संजय झा ने कहा कि पांच स्टेट का चुनाव का घोषणा हो चुका है, पांचों राज्यों में इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। हम लोगों ने कोशिश की इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद ही कोई पब्लिक कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही चाहते हैं। बिहार में सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है और हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द सब कुछ हो जाएगा। वहीं जेडीयू के कई सांसदों का बीजेपी से संपर्क होने पर संजय झा ने कहा कि बीजेपी के कई सांसद और पदाधिकारी हम लोगों के संपर्क में। भाजपा के लोगों का कहना है कि कई आपके जो सांसद हैं अभी वर्तमान में हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में बहुत जल्द जेडीयू को झटका देंगे और इसको लेकर वो लोग बैठक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपके माध्यम से बता दूं, उनके भी बहुत सारे सांसद, बहुत सारे पदाधिकारी हम लोगों के संपर्क में। बैकरूम में तो बहुत सारा डिस्कशन बहुत जगह चल भी रहा होगा और ये उम्मीद करता है कि जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी रही हमेशा कि भाई सीट शेयरिंग जल्दी फाइनल कर लीजिए और तब ये रैली का काम कीजिए, तब अभियान का बात कीजिए, तो उस डायरेक्शन में रैली वगैरह तो तभी होना चाहिए। हम लोगों का मानना है कि जब सीट शेयरिंग का बात मेजोरिटी जगह पर सीट शेयरिंग का बात हो, इंडिया गठबंधन में आगे जो मीटिंग हो तय होगा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो तय करेगी कि कहां पर इसका एक पब्लिक कार्यक्रम भी होना है, एक रैली भी होना है, कार्यक्रम होना है। रैली सबसे पहले पटना में होगा? नहीं नहीं, ये सब कुछ तय नहीं है, अभी कोई चीज़ तय नहीं है। अभी तो आ गया स्टेट का चुनाव, अब तो बहुत लोगों का फोकस स्टेट चुनाव पर हो जाएगा, लेकिन ये बात चल रही थी कि चार पाँच जगह जो है अलग अलग रीजन में एक कार्यक्रम का, अभी उसका कोई मॉडलिटीज तय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्दी ही इस पर फैसला लेगी।